व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रोफेशनली स्ट्रीम कैसे कर सकते हो कैरीज लाइव मॉडल की तरह। तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसके ऊपर टैप करोगे, रिडायरेक्ट हो जाओगे इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का आ रहा है, तो आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया डाउनलोडिंग, कुछ नहीं करना है इसमें, और ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो आप देख सकते हो कि मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, अपने इस ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं अभी। तो अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। अभी स्टार्ट हो रहा है पीछे, अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, इसलिए वो टाइम ले रहा है बहुत। नीचे उसका आ चुका है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अभी मैं कर देता हूँ उसको भी। इसको भी कर देता हूँ, ये रहा ना, इसके ऊपर आपको यस कर देना है। और यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आई एग्री पे कर देना है, और जो कौन सी भी आपकी ड्राइव खाली हो आपको उसके अंदर करना है। अभी मैं इसको सी ड्राइव में नहीं कर रहा, क्योंकि फिर सी ड्राइव भर जाती है, उसमें फिर स्पेस नहीं बचती बाद में। एक मिनट, मैं इसको किसी और फाइल में कर देता हूँ, ड्राइव में। अभी विंडोज़ में ही होगी डाउनलोड, इंस्टॉल नहीं हो रही है। एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रही, एक बार फिर से करके देख, तो ऐसे एरर आ गया उसमें। तो डाउनलोड्स में जाना है आपको, डबल क्लिक, यस, आई एग्री इंस्टॉल, अब हो गया। पिछली बार शायद से एरर आ गया था। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा अभी, क्योंकि पहली बार इंस्टॉल हो रहा है ना। मेरे लैपटॉप में पहले था, पर मेरा लैपटॉप रिबूट हो गया, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। और अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये OBS से हो रही है, OBS स्टूडियो से, और इसका नाम है स्ट्रीम लैब्स OBS। बस ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, दोनों सेम ही कंपनी ने बना रखे हैं शायद से, दोनों का नाम सेम है। अब यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मेरी रिकॉर्डिंग साइड में चल रही है अभी, और पीछे स्ट्रीम लैब स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरी, तो अभी अब यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप कौन से भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्ट्रीम करनी है, तो आप उसके ऊपर आप लॉग इन कर लो। जैसे आपको यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम करनी है, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर क्लिक करोगे आप, रिडायरेक्ट हो जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आपको अपना जो यूट्यूब अकाउंट से आपको स्ट्रीम करनी है। आप मेरी तो इसमें लॉग इन है, तो मैं उससे ही करूँगा, ठीक है। ये हो चुका है लॉग इन,
इसमें मैंने पहले से पासवर्ड लगा रखा था, मतलब साइन थी। तो इसमें अब आ रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम OBS, जो मैं अभी कर रहा हूँ, या फ्रेश यूज़ करना है तो मैं अभी फ्रेश यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि OBS में मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं है। ये मेरे लैपटॉप का कैमरा बहुत ख़राब है अभी, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आपको कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे थीम है, इसको आप स्किप कर दो अभी। आपको मैं बाद में बताऊँगा कि आपको कैसे करनी है। और गो प्राइम पे नहीं क्लिक करना, आपको स्किप पे कर देना है। तो अब यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। मैंने पहले कर रखा है, मैं पहले इसी यूज़ करता था कुछ टाइम के लिए। तो अभी मैं 1 मिनट आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ सब कुछ। 1 मिनट, ठीक है। अब जब स्टार्ट करोगे आपका ऐसे ब्लैंक आएगा, ठीक है, सब कुछ। तो अब आपको साइड में ऊपर 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे होंगे। तो नीचे सेकंड नंबर पे थीम्स का ऑप्शन है, आपको थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे पेज डाउन वो होगा, लोड होगा। ये अभी लोड होने में इसलिए ज़्यादा टाइम लगा रहा है क्योंकि मेरा पीछे OBS चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे, मतलब सारे प्राइम वाले हैं। साइड में सर्च भी है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा सर्च, यहाँ पे आपको सर्च में लिखना है फ्री, ठीक है। जैसे ही आप फ्री लिख के सर्च करोगे, ये सब आपको फ्री मिल जाएंगे। अभी जो आपने मेरी स्क्रीन पे देखा था स्टार्टिंग में, वो ये वाला था, ठीक है। मैं जैसे कि मैं कुछ सिंपल सा कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपको ये वाला पसंद है, तो अब ऊपर दिख रहा है इंस्टॉल ओवरले, ठीक है। ओवरले के ऊपर, इंस्टॉल ओवरले के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी हो गया है मेरा, मेरे को पता चल रहा है मेरा कैमरा ऑन हो गया है, ठीक है। ये है। तो अब आपको सबसे पहले ये लाइव सीन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वेब गेम की जो फ्रेम है वो आप हिला सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इसमें अब आपको सब कुछ है यहाँ पे। अब आपका वेब गेम है, जो वेब गेम है आपको ये है, जो ये फेक दे रखी है आपको, इसके ऊपर आपको इसको यहाँ पे आई बन रही होगी साइड में उसके, आप उसके ऊपर क्लिक कर दो, ये हाइड हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें एरर हो गया है। हाँ, अब हो गया है। ओके, फेक को हमने अनइंस्टॉल कर दिया, रिमूव कर देंगे हम इसको। ये हो गया, ठीक है। अब मेरा वेबकैम आ गया, तो अभी मेरे को वेबकैम नहीं चाहिए। जो अभी देख रहे हो ना यहाँ पे, अब वेबकैम देख रहे हो, अभी मेरे को ये वेबकैम नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये वेबकैम दे रखा है यहाँ पे, वेबकैम लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे आग के ऊपर क्लिक कर देना है जो यहाँ पे है। तो अभी मेरा वेबकैम हाइड हो गया, ठीक है। अब फिर से इसके ऊपर क्लिक करोगे आप, फिर से मेरा वेबकैम आ गया। तो अभी मैं इसको नहीं चाहता, तो इसके ऊपर मैं डिलीट का कर दूँ। डिलीट होता है ना आपके कीबोर्ड में, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली डिलीट वाला ऑप्शन कर देना है। ये डिलीट हो गया। अब ये वेबकैम तो हो गया, तो अब इसका वेबकैम की मेरे को वो भी डिलीट करनी है, वेबकैम की फ्रेम। तो यहाँ पे वेबकैम की फ्रेम आपको ढूंढनी है, वेबकैम की फ्रेम के ऊपर आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक और डिलीट कर देना है, और ओके कर देना है। ये भी हट गया, ठीक है। अब आपकी चैट बॉक्स, अगर आपको चैट बॉक्स नहीं चाहिए तो आप चैट बॉक्स को भी हटा दो। चैट बॉक्स के ऊपर क्लिक करो,
चैट बॉक्स की डिलीट कर दो, ओके कर दो, और चैट बॉक्स के, और चैट बॉक्स को भी हटाना पड़ेगा, फ्रेम हटा दी तो चैट बॉक्स के ऊपर क्लिक करो, डिलीट करो, एंटर कर दो, ठीक है। ये तो हो गया सब कुछ। अब आपकी डिस्प्ले कैसे दिखेगी, ठीक है, आपकी डिस्प्ले कैसे दिखेगी, तो उसके लिए आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड एग्जाम्पल, इसके ऊपर सामने उसके साइड में लिखा है डिलीट मी, तो आपको उसके ऊपर भी क्लिक करना है और डिलीट कर देना है और ओके कर देना है, तो ये आपका ब्लैंक हो गया। तो अब आपको यहाँ पे सोर्स के ऊपर ऊपर प्लस का बटन होगा इसी सोर्स इसके साइड में, तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर डिस्प्ले कैप्चर के ऊपर क्लिक करके ऐड सोर्स करना है और ऐड सोर्स करना है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है डिस्प्ले। तो आपको अब इसको ड्रैग करके, बहुत लोगों के साथ यही होता है कि आपकी ना मतलब ये विंडो नहीं आती, विंडो आ जाती है पर उसके बाद नीचे वाला नहीं आता जो उसके ऊपर लिखा होता है, तो इसको आपको पकड़ के ड्रैग कर मतलब इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके रखना है और इसको सबसे नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे रख दिया, अब आपका यूजर नेम वगैरह सब आ गया, तो अब ये यूजर नेम है, आपको नीचे यूजर नेम दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हो वो लिखो, मैं तो जैसे मेरा यूट्यूब का नाम है गॉड ऑन गेमिंग, तो मैं गॉड ऑन गेमिंग लिखूंगा, गॉड ऑन गेमिंग, ठीक है, ये मैंने गॉड ऑन गेमिंग लिख दिया। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, आउटलाइन भी कर सकते हो, आउटलाइन आप कौन से कलर की करना चाहते हो, जैसे मैंने रेड कर दी, ठीक है, ये रेड हो गई है, यहाँ पे रेड हो गई, ठीक है, ये मैंने अभी पिंक कर दी, तो ऐसे अब मैंने इसके ऊपर डन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप चैट गॉर्डन गेमिंग आ गया। तो और ये हेडर है, हेडर, ठीक है, ये हेडर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको नहीं करूँगा अभी। तो अब ये सब तो हो गया, तो अब इसको ना लॉक कर दो, क्योंकि जैसे आप स्ट्रीम कर रहे होगे मतलब ये फिर मतलब एक वो रहेगा कि मतलब ये हो गया है। अब आपको सिंपली इसको खोलना है, उसके ऊपर क्लिक करना है बस, आपको गो लाइव, तो आप सीधा चले जाओगे, और दूसर सबको अब आपको वो करना है, यूजर नेम को आप सबको आपको अब लॉक कर लगा देना है, यहाँ पे साइड में लॉक होगा, आई की साइड में एक लॉक सा बना होगा, तो आपको सबके ऊपर अब कर देना है लॉक, कर देना है उनको। मैं अभी सबको लॉक कर देता हूँ, सब ये लॉक हो गए। अब मैं आपको दिखाऊं कि मतलब विजेट्स भी होते हैं ना इसमें, जैसे आपको कोई सब्सक्राइब करता है तो वहाँ पे नाम आता है, मतलब आपको कोई सुपर चैट दे रहा है तो वहाँ पे भी ये नाम आता है, तो वो कैसे करते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर जो विजेट लगा हुआ है वो देखते हैं। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब डायनमो के डायनमो गेमिंग के अंदर स्ट्रीम के अंदर भी आपने यही वाला देखा होगा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। फिर से आपको थीम्स में जाना है, ठीक है, मानता हूँ भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर इंफॉर्मेटिव है, सीख जाओ अच्छे से, यही मेरा एक मेन मोटिव है। और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर है ना विजिट थीम्स में आपको जाना है, और यहाँ पे भी सर्च बार में आपको लिखना है फ्री, ठीक है। अब ये सारी फ्री हैं, तो इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगे आप वो ले लो, मेरे को तो मैं तो ये वाला लगा लूँ, ठीक है, मैं ये वाला लगा रहा हूँ, इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, इसको आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना, ठीक है, अब इंस्टॉल कर लो। तो ये इंस्टॉल हो चुका है मेरा, तो अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं सुपर चैट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो चेंज हो गया। अब मैं डोनेशन करूँगा, डोनेशन में भी अलग आ रहा है। तो ऐसे ही भाई आप सिंपल सिंपल चीज़ें कर सकते हो, मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो अब आपका सब कुछ सेट हो गया, तो अब आपको बस सिंपली अपने YouTube में जाना है और वहाँ पे आपको लाइव सीन मतलब अपना जो लाइव आप कर रहे हो उसका थंबनेल लगा देना, थंबनेल बना देना है, जो आपको थंबनेल चाहिए वहाँ पे लगा देना है, और यहाँ से आपको सिंपली गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह लिखना है, मतलब क्या आप चाहते हो,
जैसे आप पबजी खेलते हो तो मैं तो लिखूंगा गॉर्डन गेमिंग इज लाइफ, लाइफ पबजी मोबाइल। ठीक है, मैंने सिंपली ये लिख दिया, यूज ऑप्टिमाइज इन कोडर, डोंट शो दिस मैसेज व्हेन गोइंग लाइव। ठीक है, तो अब आपको कंफर्म एंड गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। यू विल नॉट बी आस्क्ड टू अपडेट योर स्ट्रीम इन फॉर गोइंग लाइव। तो अभी ये लाइव स्ट्रीम के लिए कर रहा है, ठीक है, वो मैं अभी नहीं चाहता, ठीक है, मैं लाइव जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे साइड में ये सब आ गया, मैं एंड स्ट्रीम कर देता हूँ, अभी मेरे को डिलीट भी करनी पड़ेगी। तो ये आपका लाइव फील है, मतलब जो एक चीज़ मैं बता दूँ, जब आपको स्ट्रीम गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है ना, उससे पहले आपको एक चीज़ रखनी है। अभी आप लाइव सीन के ऊपर क्रिएट कर रहे थे, तो आपको स्टार्टिंग सून के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और गो लाइव पे जाना है। फिर जब आपकी मतलब थोड़े बहुत व्यूअर्स आ जाएंगे, तब आप स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दो। जब आ जाएंगे उसके बाद आपको लाइव सीन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर अपनी कमेंट्री करना है, ठीक है, कमेंट्री और गेम प्ले दिखाना। तो जब तक आप इसके ऊपर हो आपका लाइव सीन नहीं दिख रहा है, तो जब आप इसके ऊपर आओगे तब आपका लाइव सीन दिखेगा, ठीक है। ऐसा ना हो भाई यहीं पे तुम स्ट्रीम करना शुरू कर दो, ना तुम्हारे व्यूअर्स आ रहे हैं ना कुछ। आप जब तक आपके व्यूअर्स नहीं आते आपको इसके ऊपर रहना होता है। अगर आप कहीं जाते हो अपना म्यूट माइक को म्यूट कर दो और बी राइट बैक के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो इससे भी मतलब गुड इम्प्रेशन पड़ता है अगर आप न्यू स्ट्रीमर हो तो। तो आपको स्टार्टिंग सून के ऊपर क्लिक करना है और गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और इस सब के ऊपर यहाँ पे टाइटल लिखने के बाद कन्फर्म एंड गो लाइव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अब लाइव आ चुके हैं आप। अब ये जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब के साथ मतलब सब कुछ टेस्ट करता है कि मतलब आपकी स्ट्रीम जो है वो स्मूथ चले, ठीक है। और मेरी अगली वीडियो आएगी माइनक्राफ्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर, तो आपको वो भी चाहिए होगी। अगर आप वो भी वीडियो देखने जाते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी इसको बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि अभी OBS भी चल रहा है भाई, और पीछे मेरा ओपेरा भी चल रहा है जो ब्राउज़र होता है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी अगर स्ट्रीम चालू ना हो गई हो, एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ स्ट्रीम चालू हो गई होती। यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। अरे यार, तो अभी मैं आपको स्ट्रीम भी दिखा देता हूँ, मतलब कैसे दिखती है स्ट्रीम, ठीक है। अभी देखो जो ये मेरी वीडियो है, ठीक है, अभी जो ये मेरी वीडियो चल रही है, एक मिनट मैं ये देख ही देखो लेता हूँ स्ट्रीम चालू हो गई होती, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है। तो अब मैं अरे ये तो सब यार, तो पता है, तो तो अभी मैं अब आपको स्ट्रीम भी दिखा देता हूँ, मतलब कैसे दिखती है इसको भी अभी स्ट्रीम। मैं म्यूट कर देता हूँ, मेरी पीछे से आवाज आ रही है। अभी आपको जो आपका अभी जो मैं OBS है ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव सीन के ऊपर क्रिएट करके। अभी मैंने लाइव सीन पे कर दिया, ठीक है, लाइव सीन पे कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ सेकेंड मतलब थोड़ा सा लेट होता है इसमें, तो अभी आप देखना मतलब यहाँ पे लाइव सीन आ जाएगा, अभी ये वाला पेज ही खुल जाएगा इस पे कुछ टाइम बाद। अभी आपको जो आपका अभी जो मैं OBS है ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव सीन के ऊपर क्रिएट करके। अभी मैंने लाइव सीन पे कर दिया, ठीक है, लाइव सीन पे कर दिया है। जाता हूँ, तो अब अब आप यहाँ ये पे देख कुछ सकते हो, सेकंड एक मतलब मिनट म्यूट थोड़ा करने दो। अब ये आप देख सकते हो मेरी लाइव सीन यहाँ पे आ चुकी है। इसमें थोड़ा सा लेट होता है, मतलब थोड़ा सा लेट दिखता है इसके अंदर स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका जितना लो एंड पीसी होगा आपको उतना ज़्यादा टाइम बफर स्पीड होगी। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका बहुत ही कम बफर स्पीड होती है, ठीक है,
तो अभी देख लो कि मैं अभी कितने टाइम पहले गया था, अब कितने टाइम पहले बाद में इसमें शो हो रहा है। तो आपका जितना अच्छा पीसी होगा आपकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अभी तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा ये वाली स्ट्रीम को, ठीक है। अभी मेरा बहुत छोटा वो है मेरा चैनल, इसलिए कोई व्यूअर्स नहीं आ रहे। तो देखो अब ये करने के बाद अगर आपको वो चाहिए, अगर आप कहीं जा रहे हो तो बी राइट बैक पे कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली एंड स्ट्रीम के ऊपर क्लिक करना है, आपकी स्ट्रीम बंद हो गई, ठीक है। एक व्यूअर्स भी आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपके कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। और अगली वीडियो आएगी माइनक्राफ्ट की, मतलब माइनक्राफ्ट को आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो वो वीडियो देखने के लिए भाई कल आ जाना चैनल के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय।